नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आशुतोष राणा सर की सभी हिंदी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आशुतोष सर की पहली फिल्म आई थी साल 1997 में तमन्ना, और इस फिल्म की लागत थी 1 करोड़ की और इसने कमाई करी 1,79,00,000 की और इनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी कृष्णा अर्जुन और इसकी लागत थी 85,00,000 की और इसने कमाई करी थी मात्र 13,00,000 की। और दोस्तों, यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद 1998 में इनकी फिल्म आई दुश्मन, और दोस्तों इसकी लागत थी 4 करोड़ और इसने कमाई की 8,43,00,000 और यह एवरेज रही। इसके बाद आई थी गुलाम और इसकी लागत थी 7,25,00,000 और इसने कमाई करी दुनिया भर से 24,21,00,000 की और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई जख्म और इसकी लागत थी दोस्तों 4 करोड़ और इसने कमाई की 6,19,00,000 और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी 1999 में संघर्ष और इसकी लागत थी 4 करोड़ और इसने कमाई करी 8,63,00,000 की और इसी के साथ यह एवरेज रहती है। इसके बाद इनकी फिल्म आई जानवर और इसकी लागत थी 6,25,00,000 और इसने कमाई करी 15,48,00,000 की और यह सेम हिट रही। इसके बाद साल 2000 में इनकी फिल्म आई बादल और इस फिल्म की लागत थी दोस्तों 10 करोड़ की और इसने कमाई की 22,08,00,000 की और यह हिट रही थी। इसके बाद आई तरकीब और इसकी लागत थी 5,29,00,000 और इसने कमाई की थी 7,57,00,000 और यह फ्लॉप रही। साल 2001 में इनकी फिल्म आई कसूर और इसकी लागत थी 4,50,00,000 और इसने कमाई की थी 8,97,00,000 और यह एवरेज रही। इसके बाद साल 2002 में आशुतोष सर की फिल्म आई थी राज, और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी मात्र 5,25,00,000 की और इस फिल्म ने दुनिया भर से 30,60,00,000 की बम्पर कमाई करी और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई थी अंश, फिल्म की लागत थी 1,75,00,000 और इसने कमाई की 1,28,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी डेंजर, फिल्म की लागत थी 2,75,00,000 और इसने कमाई की 2,77,00,000 की और यह फ्लॉप रही थी। इसके बाद आई थी अब के बरस, फिल्म की लागत थी दोस्तों 5,25,00,000 और इसने कमाई करी थी 4,34,00,000 की और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई गुनाह, फिल्म की लागत थी 4 करोड़, कमाई की इसने 7,49,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई अनर्थ और इस फिल्म की लागत थी 6,75,00,000 की और इसने कमाई की 4,41,00,000 और इसी के साथ यह डिजास्टर रही। इसके बाद आती है परदेसी रे, फिल्म की लागत थी मात्र 80,00,000 और इसने कमाई की थी मात्र 16,00,000 की और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई कर्ज और इस फिल्म की लागत थी 11 करोड़ और इसने कमाई की थी 13,44,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई गुरु महागुरु और दोस्तों इसकी लागत थी 2,50,00,000 की और इसने कमाई करी थी मात्र 21,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। साल 2003 में इनकी फिल्म आई 2 अक्टूबर, फिल्म की लागत थी 45,00,000 और इसने कमाई की मात्र 18,50,000 और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई हासिल, फिल्म की लागत थी 3,75,00,000 और इसने कमाई की थी मात्र 1,61,00,000 और यह भी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई LOC कारगिल और इस फिल्म की लागत तो थी 33 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 30 करोड़ की ही और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई दिल परदेसी हो गया और इस फिल्म की लागत थी 2,75,00,000 और इसने कमाई की 2,70,00,000 और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2004 में इनकी फिल्म आई चोट और इस फिल्म की लागत थी 1 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 62,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी मिशन मुंबई और इसकी लागत थी 65,00,000 और इसने कमाई की मात्र
मात्र 20 लाख और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और इसकी लागत थी दोस्तों 20 करोड़ और इसने कमाई की 18 करोड़ 55 लाख की और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी शबनम मौसी और दोस्तों यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई दिल के पीछे पीछे और इसके बाद आई थी कलयुग और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी 4 करोड़ और इसने दुनिया भर से कमाई करी थी 10 करोड़ की और इसी के साथ ही यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई आवारापन और इसकी लागत थी 18 करोड़ और इसने कमाई की 12 करोड़ 18 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी धोखा और दोस्तों इसकी लागत थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 1 करोड़ और यह भी डिजास्टर रही। साल 2008 में इनकी फिल्म आती है समर 2007 और इसकी लागत थी दोस्तों 4 करोड़ 50 लाख की और इसने कुल कमाई की मात्र 64 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2009 में आई थी कॉफी हाउस और इसकी लागत थी 2 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 11 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2011 में आई इनकी फिल्म मोनिका और इसकी लागत तो थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई करी थी मात्र 28 लाख की और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी ए स्ट्रेंज लव स्टोरी और इसकी लागत थी 2 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की मात्र 22 लाख और यह भी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद फिल्म आई थी BMW द ब्लैक एंड व्हाइट फैक्ट और इसके बाद आई थी द मर्डरर और इसकी लागत थी दोस्तों 4 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 60 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई सरगना और इसके बाद इनकी फिल्म आई थी हैमिल्टन पैलेस। साल 2012 में इनकी फिल्म आई किस्मत लव पैसा दिल्ली और दोस्तों इसकी लागत थी 16 करोड़ की और इसने कमाई करी मात्र 3 करोड़ 27 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी अता पता लापता और इसकी लागत थी 44 लाख और इसने कमाई करी 42 लाख की और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2013 में इनकी फिल्म आई जिला गाजियाबाद और इसकी लागत थी दोस्तों 36 करोड़ और इसने कमाई की 22 करोड़ 26 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी मुट्ठी भर सपने। इसके बाद साल 2014 में इनकी फिल्म आई स्पार्क। फिल्म की लागत थी 5 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 18 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई देसी कट्टे और इसकी लागत थी 12 करोड़ और इसने कमाई करी मात्र 2 करोड़ 52 लाख और यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आशुतोष जी की फिल्म आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। फिल्म की लागत थी दोस्तों मात्र 33 करोड़ की और इसने दुनिया भर से कमाई करी थी 119 करोड़ 58 लाख की और यह सुपर हिट रही। साल 2015 में इनकी फिल्म आई अब तक 56-2। फिल्म की लागत थी 18 करोड़ और इसने कमाई की थी 9 करोड़ 36 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी डर्टी पॉलिटिक्स। फिल्म की लागत थी 11 करोड़ और इसने कमाई की थी 8 करोड़ 48 लाख और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी ब्रदर्स और इस फिल्म की लागत थी 112 करोड़ और इसने कमाई की 123 करोड़ की और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई ब्लैक होम और दोस्तों यह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2016 में शोरगुल और इसने कमाई करी थी 1 करोड़ 24 लाख की और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2017 में आई जीना इसी का नाम है और इसने कमाई की 31 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी आ गया हीरो और इसकी लागत थी 8 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 1 करोड़ 39 लाख और यह भी डिजास्टर रही। 2018 में इनकी फिल्म आई थी यह कैसा टिगम और इसने कमाई की थी 3 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई मुल्क। फिल्म की लागत थी दोस्तों 19 करोड़ और इसने कमाई की 29 करोड़ 90 लाख और यह एवरेज रही। इसके बाद आई उड़न छू और इसने कमाई की 6 लाख और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी धड़क और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी 41 करोड़ और इसने कमाई की दुनिया भर से 112 करोड़ 98 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल ही आशुतोष जी की फिल्म आई थी सिम्बा और दोस्तों इस फिल्म की लागत
लागत थी मात्र 125 करोड़ की और इसने दुनिया भर से 419 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की और इसी के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। साल 2019 में आई थी सोन चिड़िया और इसकी लागत थी 28 करोड़ की और इसने कमाई की 8 करोड़ और इसी के साथ यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई मैन टॉकीज और इसकी लागत थी दोस्तों 18 करोड़ की और इसने कमाई की मात्र 62 लाख और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी इनकी फिल्म चिकन करी लो और दोस्तों इसने कमाई मात्र 11 लाख और यह भी डिजास्टर रही। इसी साल ही आशुतोष जी की फिल्म आई वार और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी 200 करोड़ की और इसने दुनिया भर से 474 करोड़ 29 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। साल 2020 में इनकी फिल्म आई भूत पार्ट 1 और इस फिल्म की लागत थी 28 करोड़ और इसने कमाई की 40 करोड़ 70 लाख और यह एवरेज रही। साल 2021 में आई थी पगलेट और दोस्तों इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। इसके बाद आई थी हंगामा 2 और इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई थी। साल 2022 में आई थी सम्राट पृथ्वीराज और इसकी लागत तो थी दोस्तों 300 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 86 करोड़ 60 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई ओम और इसकी लागत थी दोस्तों 30 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 4 करोड़ 8 लाख और यह भी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2023 में आशुतोष जी की फिल्म आई पठान और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी मात्र 270 करोड़ की और इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर से 1045 करोड़ 70 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की थी और दोस्तों इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई थी भीड़ और दोस्तों इसकी लागत थी 35 करोड़ और इसने कमाई की 3 करोड़ 33 लाख की और यह डिजास्टर हुई थी। और दोस्तों इसके बाद आशुतोष जी की फिल्म आने वाली है टाइगर 3। तो दोस्तों यह था आशुतोष जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।